बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक चीज़ है जी, आपके साथ मैं एक ऐवें जी वीडियो शेयर करने लगा हूँ, इसके मतलब यही बोल रही है, देख लें जी। ठीक है, ये गल्ला आपको पता है जी, बचपन में हम इसमें पैसे जमा करते रहे हैं, अभी घर में भी ये इसमें पैसे जमा किए गए हैं, और मैं अभी इसको ओपन करने लगा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको दिखाना ये चाह रहा था कि इसको ओपन करता हूँ, देखते हैं अंदर से निकला क्या है, करुण का खजाना कौन सा निकलता है इसमें, आपको दिखा देता हूँ यार, एक ऐसी वीडियो, चलो कुछ बचपन की यादें ही ताज़ा हो जाती हैं जी। तो गल्ला देखने छोटा सा है वैसे, मैं इसको काट लेता हूँ, किंची मेरे पास मौजूद है, देख ले कितनी बड़ी है, तो इसको काट लेता हूँ, इसके अंदर से जो कुछ निकलता है वो दिखाते हैं। अच्छा, काफ़ी देर से इसमें पैसे जमा किए जा रहे हैं, नोट ही ना काट लिए तो मैंने बोला कि चलो आज मैं इसको काट लेता हूँ, और इसमें से पैसे जो निकलेंगे वो आपके साथ आपको दिखाऊंगा मैं, अंदर से क्या कुछ निकलता है। ठीक है, यहीं ज़्यादातर कुछ नोट भी है क्या? नोट भी हैं, ठीपे भी हैं, मौका भी है, दस्तूर भी है, लूट ले शक्का तू तो लूट लाया रे। ओ भाई, कुर्बानी आ गई है जी, बड़ी ईद पाकिस्तान में इस बार मेरी, तो इसी हिसाब से मैंने बोला चलो कुर्बानी से पहले ये गला भी खोलता हूँ, देखता हूँ इसमें क्या कुछ जमा किया गया है। दो रुपये लठी पा, दो रुपये लठी पा भी चलता है। जी बीमार निकाल लेते हैं, बड़े नोट भी निकल रहे हैं इसमें से। या अच्छा, पहले बड़े नोट जो हैं वो ही मैं गिन लेता हूँ, ये कितने बनते हैं, और थोड़ा ऊपर करते हैं, थोड़ा उसके बाद फिर जो ठीपे वगैरह हैं वो तो मैं वीडियो को ब्रेक लगाऊंगा, गिनूंगा, वरना वीडियो तो बहुत लंबी होती जाएगी। इसमें से बड़े नोट यही निकले हैं जी, यानी कि 1, 2, 3 3100 रुपये निकला है। अभी मैं ठीपे इनको गिनता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि ठीपे गिनने के बाद कितने बने हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आपको एक चीज़ मैं दिखाना चाहता था, वो ये है जी, 5 रुपये वाला सिक्का देख लें आप, ये जो चल रहा है ये लोहे में, आप बोल सकते हैं, ये 5 रुपये वाला सिक्का है, ये कॉपर में है देख लें। अच्छा, ये दोनों तो चलो हम रख देते एक तरफ, अभी ये जो 2 रुपए वाला सिक्का है ना, ये चीज़ मैं आपको जो दिखाने लगा हूँ वो ये है जी, जो 2 रुपए वाला सिक्का है जी, ये आप यकीन करें काफ़ी पुराना है, और ये इसके पीछे ये जो 3 बादल आप देख रहे हैं बने हुए, ये वाले, ये किसी दौर में ये कहा गया था कि ये सोने के हैं जो बादल पीछे बने हुए हैं, तो बारह वो एक फेक न्यूज़ थी जी, सिर्फ लोगों से ये सिक्के वगैरह जमा करने के लिए, क्योंकि ये 2 रुपए में कॉपर और इसका वज़न भी काफ़ी है, आप यकीन करें 2 रुपए में मैं बोलता हूँ इतना कॉपर नहीं आएगा जिस वज़न के हिसाब से ये सिक्का है। तो बारह बाकी बाद में तो सिल्वर का चला दिए गए, अभी 2 रुपए सिल्वर में आता है देख लें, सेम वही डिज़ाइन बादल वगैरह बने हुए हैं, और 1 रुपए वाला सिक्का भी है पाकिस्तान में, ये देख लें, ये 1 रुपए वाला है जी। तो अभी पहले ये देख लें, 3100 का निकला है, ठीक है, उसके बाद 400, ये 5 वाले सिक्के जो हैं ये कितना हो गया, 31 और 4 35, और 105 रुपये, ये 1 रुपए वाला एंड 2 रुपए वाला सिक्का, यानी कि 3600 रुपये बोल रहे हैं जी, इस गले से निकला है 3600 रुपये। अभी आप यकीन करें इसमें ठीपे डाले हुए थे इतने, फिर भी ये खाली था, अगर इसमें आप कागज़ डालें ना, यानी कि 50 वाला 100 वाला नोट, तो इसमें 10,000 हो जाएगा इतने गले में। तो बहरहाल ये आज काट दिया है जी गला, और 3600 रुपये निकला जी इससे, मैंने बोला बड़ी ईद आई है, चलो इसको भी काटते हैं, देखते हैं क्या निकलता है।